हेलो दोस्तों, कामत की रसोई में आज हम बनाने जा रहे हैं हरी मिर्च का अचार, जिसे आप सिंपल दाल चावल रोटी पराठे के साथ खाओगे ना आपको बहुत पसंद आएगा। और इसे बिल्कुल हम नए तरीके से बनाने वाले हैं, तो आप वीडियो पे बने रहना दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। यहाँ पे हमने 250 ग्राम पतली वाली हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च दोस्तों दो से तीन तरह की आती है। ये वाली जो पतली वाली हरी मिर्च है ना, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती है, तो हमने यही वाली हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च को सबसे पहले अच्छे से धोएंगे। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जब भी आप हरी मिर्च को पानी में डाल के धो ना, तो आप पहले डंडी को कभी भी मत तोड़ना। जब आप हरी मिर्च को पानी से धो लो, उसके बाद ही डंडी को तोड़ना। और अगर आपने डंडी पहले तोड़ दिया है ना, तो हरी मिर्च को कभी भी पानी में भिगाना मत, इससे अचार आपका ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दो से तीन बार अच्छे से हरी मिर्च को धो लिया है दोस्तों। जो हरी मिर्च सड़ा हुआ है उसे हम हटा देंगे और अच्छे से हरी मिर्च को धो लेंगे। तो हमारी मिर्च तो धुल गई है, इसे हम फटाफट से पानी से छान लेते हैं और एक दूसरे बर्तन में रखते जाएंगे। दोस्तों आप फर्स्ट टाइम हरी मिर्च का अचार बना रहे हो ना, तो आप इस तरीके से बनाना, आपका मिर्च का अचार बिल्कुल परफेक्ट बनके तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने सारी मिर्च को धो लिया है। अब एक साफ कपड़े पे ना हम इसे अच्छे से फैला देंगे धूप में, या फिर पंखे के हवा में भी आप फैला सकते हो। तो हमें बहुत ज़्यादा मिर्च को सुखाना नहीं है, एक आध घंटे के लिए ही मिर्च को फैलाना है, ताकि जो इसका पानी है ना मिर्च का, वो अच्छे से सूख जाए। तो जब इस तरीके से आप मिर्च का अचार बनाओगे ना दोस्तों, तो आपका सालों साल मिर्च का अचार ख़राब नहीं होगा। इसीलिए हमें पहले धूप लगाना होता है मिर्च को, और तभी इसका अचार बनाना होता है। तो यहाँ पे हमने आधे से एक घंटे के लिए धूप में मिर्च को छोड़ दिया है। तब तक हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने गैस पे रखा है एक पैन, और इसमें हम डाल देंगे एक बड़ा चम्मच सरसों। ये काली वाली सरसों है, आप इसकी जगह पीली वाली सरसों भी ले सकते हो दोस्तों। एक बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे सौंफ का लिया है, और एक छोटा चम्मच जीरा और काली मिर्च लिया है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच मेथी दाना, और दो सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से मिक्स करके मीडियम टू लो फ्लेम पे मसालों की भुनाई करेंगे। तो मसालों की भुनाई हमें अच्छे से करनी है, जब तक कि इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। और दोस्तों जब भी हम अचार का मसाला भूनते हैं ना, इसमें से खुशबू बहुत अच्छी आती है, ऐसा लगता है कि बस इस खुशबू को ना हम सूंघते ही रहे। तो यहाँ पे हमने मसालों की भुनाई कर लिया है, इसे हम फटाफट से एक प्लेट में निकाल लेते हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। तो जब तक हमारा ये मसाला ठंडा हो रहा है ना, हमारे जो पैन है ना वो गर्म है, इसी में ना हम तेल डाल देंगे लगभग 250 ग्राम जितना, और तेल को ना अच्छे से गर्म होने देंगे जब तक इसमें से धुआं ना आ जाए। तो यहाँ पे दोस्तों तेल जो है ना हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम एक चौथाई चम्मच हींग डालेंगे। हींग का जो फ्लेवर होता है ना, वो हरी मिर्च के अचार में बहुत अच्छा आता है, तो आप ज़रूर से डालना दोस्तों। तो यहाँ पे हमने हींग को डाल दिया है, और अब हम गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे देख सकते हो तेल में से धुआं निकलने लगा है, तेल को ठंडा होने देते हैं, और जो हमारा मसाला है ना वो भी ठंडा हो गया है। तो इसे हम क्या करेंगे ना, पीस लेंगे। तो मसाले का ना बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना दोस्तों, हल्का सा इसमें दरदरापन रखना है, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं पीसना, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करना। तो हमने जार में डाल दिया है मसाले को, और बस इसे हम पीस लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमने मसालों को पीस लिया है, और ये देखिए मैंने बहुत ज़्यादा बिल्कुल इसका पाउडर नहीं बनाया है, ना तो इसको बहुत ज़्यादा मोटा रखा है, बिल्कुल ऐसे ही हमें पीस के तैयार करना है, क्योंकि अचार का जो मसाला होता है ना दोस्तों, वो ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मिर्च को भी हमने सुखा लिया है लगभग आधे घंटे के लिए, इसमें बिल्कुल भी अब पानी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसकी डंडियों को तोड़ लेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप डंडी के साथ अचार बनाओगे ना, तो आपका अचार ज़्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। जो डंडी होती है ना, वो जल्दी से अचार को ख़राब कर देती है।
इसीलिए हमें डंडियों को तोड़ के हटाना है। तो दोस्तों मैं मिर्च की डंडी तोड़ ही रही थी, इतने में मेरा बेटा आ गया जतिन, और वो कहने लगा कि मम्मा आप छोड़ दो, मैं तोड़ूंगा, मुझे तोड़ने दो मिर्च की डंडी, मुझे अच्छा लगता है इसकी डंडी तोड़ना। मैंने कहा चलो बेटा कोई काम तो करने में आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जब से बच्चों की स्कूल की छुट्टियां पड़ी है ना दोस्तों, इतना परेशान करते हैं ना ये बच्चे, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। पर मिर्च के अचार के लिए ना दोस्तों सारी मिर्च की डंडियों को ना जत्ती ने ही तोड़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारी डंडियों को अच्छे से हमने तोड़ लिया है मिर्च में से। इस डंडियों को हम हटा देंगे और जो मिर्च है ना इसे हम दो भागों में कट करेंगे। तो लंबाई में ना मिर्च में हम चीरा लगा लेंगे, जैसे कि आपको वीडियो में दिख रहा है। तो मैं यहाँ चाकू से चीरा लगा रही हूँ, आप चाहे तो कैंची से भी कट कर सकते हो दोस्तों, पर बहुत आराम से काटना, क्योंकि मिर्च धूप में डालने की वजह से ना सॉफ्ट हो गई है, तो बहुत आराम से करना है। और यहाँ पे दोस्तों हमने मिर्च में चीरा लगा लिया है, आप देख सकते हो। एक दो दोस्तों हरी मिर्च ना हमारी लाल पड़ गई थी, इसे भी हमने कट करके डाल दिया है, क्योंकि दोस्तों जब हम अचार बनाएंगे ना इसमें थोड़ा थोड़ा लाल कलर आएगा ना, बहुत ही अच्छा लगेगा हमारा मिर्च का अचार। तो अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर एक छोटा चम्मच जितना, साथ ही इसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच जितना धनिया पाउडर। धनिया पाउडर की क्वांटिटी ना थोड़ी ज़्यादा ही रखनी होती है दोस्तों। और अब इसमें हम एक छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, ये तीखी नहीं होती पर इससे कलर बहुत अच्छा आता है। एक छोटा चम्मच इसमें हम डालेंगे आमचूर पाउडर, और साथ ही जो हमने मसाला पीस के रखा था ना, जो हमने तैयार किया है अचार का मसाला, इसे भी डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे नमक। तो नमक दोस्तों आप ज़्यादा ही रखना, कम बिल्कुल भी मत रखना, क्योंकि जो अचार होता है ना वो थोड़ा चटपटा ही खाने में अच्छा लगता है। तो नमक यहाँ पे मैंने एक चम्मच भर के डाला है, आप स्वाद के अनुसार से भी थोड़ा ज़्यादा ही डालना। और एक चम्मच भर के मैंने इसमें विनेगर डाला है, जो वाइट वाला सिरका होता है ना दोस्तों, मैंने वही डाला है। सिरका डालने से हमारा जो अचार है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होगा, इसे आप पूरे एक साल तक स्टोर करके रख सकते हो बीच बीच में धूप लगा के। तो सबसे पहले हम सिरका डालने के बाद मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मेरे से ना चम्मच वगैरह से होता नहीं है दोस्तों, इसीलिए मैंने हाथों से मिक्स किया है, ताकि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें आपस में मिल जाए और मिर्च में कोट हो जाए। पर दोस्तों ध्यान रहे, आपके हाथों में ना बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए जब आप अचार को मिक्स करोगे। और जो हमने तेल गरम करके रखा था ना, ठंडा हो गया था, इसे भी हमने डाल दिया है मिर्च के अचार में। और तेल डालने के बाद पहले हम बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को मिला लेंगे। पर दोस्तों मिर्च के अचार में ना मुझे ना तेल थोड़ा सा कम लग रहा है, मैंने थोड़ा सा तेल और गर्म होने के लिए रख दिया है, क्योंकि दोस्तों अचार वगैरह में ना तेल थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने हाथों से सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है दोस्तों, और मसाला जो है ना मिर्च में बहुत अच्छे से कोट हो गया है। तो इसमें हम थोड़ा सा तेल और डालेंगे जो हमने गरम करके रखा था, तेल ठंडा हो गया है, इसे भी हम डाल देते हैं। तो दोस्तों जब भी आप अचार वगैरह बनाती हो ना, तो तेल को हमेशा ठंडा करके ही डालना, और अचार में हमेशा ना सरसों का तेल ही डालना दोस्तों, इससे ना टेस्ट अचार का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। और तेल डालने के बाद मैंने चम्मच से ही अच्छे से मिक्स कर लिया है, क्योंकि मैंने हाथों को साफ कर लिया था दोस्तों, और अच्छे से कपड़े से हाथ को पोंछ ली थी। तो जो भी चम्मच वगैरह जो भी थाली वगैरह आप इस्तेमाल करोगे ना, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। और मैंने कपड़े से ढक के इसे पूरे दो दिन तक इसमें धूप लगाया है, ताकि इसमें डस्ट वगैरह ना जाए। और ये देखिए दोस्तों दो दिन के बाद हमारा जो अचार है ना फाइनली बनके तैयार हो गया है। इस अचार को आप स्टोर करके पूरे साल भर के लिए रख सकते हो, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, बस बीच बीच में आप धूप लगाते रहना महीने दो महीने में। और दोस्तों इस अचार को ना आप कांच के कंटेनर में ही भर के रखना, इससे आपका अचार ख़राब नहीं होगा दोस्तों। और इस लाजवाब अचार को ना आप रोटी पराठे सिंपल दाल चावल जिसके साथ भी खाओगे ना आपको बहुत पसंद आएगा। तो एक बार मेरे कहने से ना आप अपने घर पे इस अचार को ज़रूर बनाना। और आज की ये वीडियो आप सबको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है ना, तो प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करना,
मेरे वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड फैमिली में वीडियो को शेयर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, घंटी का बटन दबा देना ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मैंने यहाँ पे कंटेनर में भर लिया है अचार को, और आप देख सकते हो हमारा जो अचार है ना कितना लाजवाब लग रहा है देखने में। और दोस्तों ये मिर्च का अचार खाने में भी बहुत टेस्टी है, तो ट्राई ज़रूर करना। और आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। फिर मिलती हूँ ऐसी एक नई और आसान रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।